हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन के बारे में। जिसकी कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी का फोकस गैरी को ढूंढने के मिशन पर है, जिसे किसी ने स्पंजबॉब के घर से किडनैप कर अटलांटिक सिटी में छोड़ दिया है, जहां से गैरी को लाने की जिम्मेदारी स्पंजबॉब और उसके बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक ने उठाई है, जिसमें ये दोनों सक्सेस होगी भी या नहीं, वही इस फिल्म का पूरा पूरा फोकस है। तो क्या आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, चलिए अब उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है और फिल्म एनिमेशन है। इसका मतलब कि आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन तब जब आप इस फिल्म को देखते वक्त कोई भी लॉजिक नहीं लगाओगे तो। और रही बात स्पंजबॉब के फैंस की, तो उनके लिए तो ये फिल्म किसी ट्रीट से कम है नहीं, जिसमें इस बार उन्हें देखने के लिए म्यूजिकल नंबर के साथ साथ कुछ स्टार्स के कैमियो भी देखने मिलते हैं। तो अब इस सिंपल से फिल्म का मैं सिंपल तरीके से ही रिव्यू करूंगा, क्योंकि अगर जरा से भी लॉजिक मैंने इस फिल्म के रिव्यू में ऐड किया तो ये फैंस के साथ तो नाइंसाफी होगी ही, और इस सिंपल सी बनाई गई फिल्म के साथ भी। अब मैंने स्पंजबॉब के कार्टून को बचपन से लेकर आज तक बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय किया है, जिसमें स्पंजबॉब अपने दोस्त पैट्रिक के साथ मिलकर हर बार उटपटांग चीजें ही करता है, और इस फिल्म में भी आपको वैसा ही सब कुछ देखने मिलता है। और हाँ, जिस तरीके से फिल्म में स्पंजबॉब के बचपन को दिखाया गया है, यानी कि उसी कैंप क्रॉल में, तो ये क्लियर इंडिकेशन है स्पंजबॉब की आने वाली सीरीज यानी कि कैंप क्रॉल को लेकर, जो कि स्पंजबॉब के यूनिवर्स की प्रीक्वल सीरीज होगी, इसीलिए उसका प्रमोशन भी आपको इस फिल्म में देखने मिलता है। और रही बात फिल्म के डायरेक्शन और एनिमेशन स्टाइल की, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसकी कंपैरिजन स्पंजबॉब की आई हुई पहले की फिल्म स्पंजबॉब स्पंज आउट ऑफ वाटर से करोगे तो। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग भी ठीक ठाक की गई है और फिल्म का बीजीएम भी ओके है, और सभी के सभी वॉइस एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी हर बार पहले की तरह काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। वेल, तो जैसे कि मैंने कहा इस सिंपल सी फिल्म का मैं काफी सिंपल रिव्यू करूंगा, तो अब उसी बात को ध्यान में रखकर आते हैं सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं फिल्म के एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में इस फिल्म की रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की। और बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो फिल्म में बच्चों के जोक्स के साथ साथ एडल्ट जोक भी डाले गए हैं, जो हर बार स्पंजबॉब की सीरीज से लेकर फिल्मों में होता है, यानी उस हिसाब से ये फिल्म आपको कुछ लेवल पर हंसाती ही है, जिसके हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग 5 में से 3 स्टार की रहेगी। और रही बात ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनती है, क्योंकि फिल्म हमारे सामने नया कुछ भी प्रेजेंट नहीं करती स्टोरी वाइज, जिसे ट्रेलर में ही पूरी तरीके से रिवील भी कर दिया गया था, जिससे कि ये बात भी साफ होती है कि फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। और आज है मासेस ऑडियंस पर, तो मासेस ऑडियंस की नजर में भी ये फिल्म एक ठीक ठाक टाइम पास सी फिल्म है, जिसके हिसाब से मासेस ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है सीधे सीधे B+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म एक ओके सी फिल्म लगी है, जिसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B की। और बात करें मेरी, तो जैसे कि मैंने कहा मैं स्पंजबॉब की सीरीज से लेकर फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन इस फिल्म को मैं ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू करते हुए B- की रेटिंग दूंगा, जिसमें मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप फैंस हो तो ही इस फिल्म को देखिएगा, वरना मेरे हिसाब से ये फिल्म कहीं ना कहीं आपका दिल जरूर तोड़ देगी। लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम पास करना है और आपके पास देखने के लिए कोई दूसरी फिल्म नहीं है, तो आप इस फिल्म को देखकर एक अच्छा टाइम पास कर सकते हो। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन दी स्पंजबॉब मूवी स्पंज ऑन द रन को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।